Hey guys, welcome back to my channel Foodology by Shweta. Today we are going to make amla and mirch pickle. So without further delay, let's start. आमला को पानी में डालकर उसे अच्छी तरह वॉश कर लें। आमला को गर्म पानी में डालकर अच्छी तरह बॉईल करें। हल्दी और नमक डालें और अच्छी तरह मिला लें। आमला को अच्छी तरह बॉईल करें। फोर्क से चेक करें आमला बॉईल हुआ है या नहीं। आमला से अच्छी तरह पानी निकाल लें। आमला जब ठंडा हो जाए उसे अच्छी तरह काट के उसकी सीड को निकाल लें। ड्राई मसाले को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। पैन में मस्टर्ड ऑयल को गर्म कर लें। तेल जब गर्म हो जाए उसमें हींग डालें और उसे थोड़ी देर ठंडा होने दें। जब तेल ठंडा हो जाए उसमें हल्दी और रेड चिली पाउडर और प्रिपेयर्ड मसाला डालें और अच्छी तरह मिला लें। 5 से 10 मिनट छोड़ दें और फिर उसे जार में ट्रांसफर कर लें। इंस्टेंट आमला पिकल अब रेडी हो गया है। आमला का अचार बन गया है। आइए अब हरी मिर्च का अचार बनाते हैं। मिर्च को अच्छी तरह धोकर उसे ड्राई कपड़े से सुखा लें। उसके क्राउन को निकाल लें। उसे अपने मनचाहा शेप में काट लें। एक पैन गर्म करें, उसमें सारे ड्राई मसाले को 1 मिनट तक रोस्ट कर लें। जब ठंडा हो जाए उसे ग्राइंड कर लें। तैयार मसाले को एक बोल में डाल दें। हल्दी, नमक और रेड चिली पाउडर डाल के अच्छी तरह पिला लें। मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें, फिर उसे थोड़ा ठंडा होने दें। बोल में तैयार मसाला डालें और उसमें सारी मिर्च को डाल दें। हल्दी, नमक, आमचूर पाउडर डालें और अच्छी तरह मिला लें। मस्टर्ड ऑयल डालें और अच्छी तरह मिला लें। विनेगर डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। चिली पिकल अब रेडी हो गया है।